अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम पॉलीगॉन क्या होता है और पॉलीगॉन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, पॉलीगॉन का रेडियस कैसे मेजर किया जाता है। प्रीवियस लेसन में हमने जो है तो डायमेंशंस वगैरह और रेडियस आप किस तरह चेक करते हो और उसके अलावा डायमेंशन कैसे आप देखते हो इस के बारे में हमने पढ़ा था। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि पॉलीगॉन का रेडियस कैसे चेक करोगे, कि पॉलीगॉन का कितना रेडियस है, सेंटर पॉइंट से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं अपनी आउटलाइंस ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पॉलीगॉन, इंसर्ट पॉलीगॉन इन डिफरेंट मेथड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट पॉलीगॉन कि पॉलीगॉन में और क्या क्या काम होते हैं, किस तरह पे काम करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और पॉलीगॉन के ऊपर देखते हैं कि पॉलीगॉन क्या है, कहाँ से ड्रॉ होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे पॉलीगॉन की शेप नज़र नहीं आ रही होगी, सर्कल नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के साथ है यहाँ पे पॉलीगॉन, देख सकते हैं आप। हालांकि इस पॉलीगॉन को अलग होना चाहिए था, रेक्टेंगल अलग चीज़ है, पॉलीगॉन अलग चीज़ है। लेकिन चलें, जिस बंदे ने हमारे पास जिसने ऑटो कैड डिज़ाइन किया है न्यू, तो उसे ये चीज़ देखनी चाहिए थी। चलें तो पॉलीगॉन और के बारे में देखेंगे, पॉलीगॉन है क्या और इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे पॉलीगॉन के लिए मैं यहाँ से क्लिक करूँगा पॉलीगॉन पे, या फिर इसके अलावा एक शॉर्ट केस की वो देखते हैं क्या शॉर्ट के, POL एंटर करता हूँ, देखता हूँ मैं। POL पॉलीगॉन के लिए होता है। उसके अलावा आप ड्रॉ में जाएंगे और ड्रॉ में जाने के बाद आप पॉलीगॉन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे पॉलीगॉन आ गया आपके पास। तो ये तीन तरीके जिससे आप पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट कमांड यूज़ करता हूँ, POL एंटर करता हूँ, पॉलीगॉन, POL एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए पॉलीगॉन के। तो पॉलीगॉन के मैं साइड देता हूँ 5, 5 साइड देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का सेंटर आप कौन सा देना चाह रहे हो, तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे उसका सेंटर पॉइंट होगा। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, दो ऑप्शन कौन कौन से, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये दो ऑप्शन क्या क्या होते हैं, इनके ऊपर किस तरह काम करेंगे, और उसके अलावा एज क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन आर एज, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो आप सिंपल आई प्रेस करें या फिर एंटर करें, क्योंकि हमारे पास देखें इनस्क्राइब्ड चेक किया हुआ है, देखें डॉट्स से चेक किया हुआ है, तो आप एंटर कर दें, डायरेक्ट एंटर करें और यहाँ से आप ड्रैग कर लें इसको, देखें। या फिर आप इसको ड्रैग करने के अलावा आप यहाँ पे इसको एंगल भी दे सकते हो, मैं इसको देता हूँ 4 फुट का, हमारे पास जी पॉलीगन बन गया। तो इंटर करें तो 4 फुट का हमारे पास पॉलीगन बन गया, देख सकते हैं। तो ये जी पॉलीगन शेप आपके पास बन गया। इसे पॉलीगन शेप और भी कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी, आप दोबारा आपको बताता हूँ, पॉलीगन शेप बनाने के लिए POL इंटर, या यहाँ पे आप जाएं ड्रॉ बार में जाएं और यहाँ पे आपको पॉलीगॉन शेप नज़र आ रही है, क्लिक करें और एंटर नंबर ऑफ साइड दें, नंबर ऑफ साइड में देता हूँ आप इसको 8, एंटर करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, क्लिक किया एंटर करें और इसको मैं कितना देता हूँ 4 फुट। देखिए दोनों हमारे पास दो पॉलीगन ड्रॉ हो गए, इसमें नंबर ऑफ साइड 5 है और इसमें कितनी है 8 है। किस तरह देखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर ऑफ साइड्स आ गए। अब इसका सेंटर पॉइंट आप कैसे चेक करोगे, मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ। प्रीवियस लेसन में एक चीज़ रह गई थी मुझसे, सी एंटर किया मैंने, क्यों अभी हमने सर्कल पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने वो चीज़ आपको रिपीट नहीं की। इसका सेंटर पॉइंट देखने के लिए आपने क्या करना होता है, आप यहाँ से एनोटेट पे क्लिक करते हो और यहाँ से आपने यहाँ पे
डायमेंशंस पे क्लिक करके, तो ये सेंटर पॉइंट है, क्लिक करेंगे सेंटर मार्क, सेंटर मार्क पे क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास देखें सेंटर मार्क यहाँ पे आ गए, ये सेंटर मार्क इसका। सी एंटर करता हूँ मैं, देखें देख सकते हैं, तो ये सेंटर मार्क है इसका। तो पॉलीगन का सेंटर पॉइंट क्या होता है, तो उसके लिए मैं देखता हूँ, यहीं से मैं देखता हूँ इसका सेंटर पॉइंट, अप्लाई करता हूँ सेंटर मार्क। तो पॉलीगन का कोई सेंटर मार्क यहाँ पे ये नहीं बता रहा, देख सकते हैं। तो इसका सेंटर मार्क शो करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह करोगे कि यहाँ पे हमारे पास फाइव है, देखिए फाइव, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ साइड्स फाइव है, इसमें कितनी है, एट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फाइव जो है, फाइव में तो हमारे पास पेयर बनते नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो एट है इनमें पेयर बनते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट निकालना बहुत आसान है। किस तरह आप निकालेंगे, सी एंटर करें, सॉरी एल एंटर करेंगे, एल एंटर, इसका जो मिड पॉइंट, आप देखें मिड पॉइंट यहाँ पे शो नहीं कर रही है, दो ही पॉइंट शो कर रहे हैं, एंड पॉइंट शो कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट शो करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे इस स्नैप मोड पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, स्नैप सेटिंग पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये देखें ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल कर दें इसको, सिलेक्ट ऑल और ओके कर दें, आपको सारे पॉइंट यहाँ पे शो करेगा। और स्नैप मोड है ये देखें, यहाँ पे स्नैप मोड है, या इस मोड पे भी क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, और देखता हूँ कहाँ से होते हैं, हाँ ये भी है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से भी देखें कौन कौन से पॉइंट आपने लाने हैं, आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ, स्नैप सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, और स्नैप में क्लियर ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, और दूसरा इस यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं एंड पॉइंट शो हो और सेंटर पॉइंट शो हो, ओके बस ये दो पॉइंट शो हो। तो अब मैंने एल एंटर किया, अब ये देखें एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट शो नहीं हो रहा, क्लिक करता हूँ इसको, सेंटर मार्क क्वार्टर, स्नैप सेटिंग सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ इसको, एल एंटर करूंगा तब यहां पे शो करेगा। एल एंटर, तो उसने मूड ऑफ किया हुआ, मैंने ऑन करें इसको, इसको हमेशा ऑन रखना है, मैंने ऑफ कर दिया था। एल एंटर अब करता हूँ, अब यहाँ पे देखें सेंटर पॉइंट दे दिया इसने, ये सेंटर पॉइंट इसका आ गया, ये सेंटर पॉइंट इसका ले, और ये वाला सेंटर पॉइंट इसका, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, जबकि इसका सेंटर पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, आप देख सकते हैं। सी एंटर करें, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर आ रहा है, इसका सेंटर पॉइंट है। इसका सेंटर पॉइंट शो करने के लिए आप क्या करोगे, सी एंटर, एल एंटर करोगे, एल एंटर, इसका सेंटर पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है फॉर एग्जांपल एल एंटर, इसका यहां से सेंटर पॉइंट लेता हूं मैं, इसको इसके साथ जोड़ देता हूं, इसका सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। अब देखें ये तो हमारे पास यहाँ से नीचे सही शो ही नहीं हो रहा, देखें ये तो इसका सेंटर पॉइंट नहीं है। इसका सेंटर पॉइंट जो पेयर नहीं होते, जो लोग जो पेयर होते हैं तो उनको आप यहाँ से सेंटर दे सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है सेंटर देने का, वो क्या है, आप इसके एंड पॉइंट, एंड पॉइंट से जोड़ते जाएँ, एल एंटर, इसका ये वाला एंड पॉइंट इस एंड पॉइंट के साथ जोड़ दें, बिल्कुल उसके सामने जो है इसका ये वाला एंड पॉइंट इस एंड पॉइंट के साथ जोड़ दें, बल्कि इसका वही तरीका सही है, एल एंटर, ये पॉइंट जो है इसके साथ जोड़ दिया मैंने, और इसका ये वाला सेंटर पॉइंट
इसी से जोड़ दिया। अब इसका सेंटर पॉइंट जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसका सेंटर पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट स्पेस प्रेस करें, कमांड रिपीट हो जाएगी लाइन की, इसका एंड पॉइंट, इसका इसका सेंटर पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसका एंड पॉइंट। देखें एक ही जगह पे यहाँ पे वापस पॉइंट मिल लें, तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया जी, ये वाला जिस पॉइंट में सारी लाइंस आपस में मिल रही हैं। देखें तो ये कुछ टेक्निक्स हैं पॉलीगॉन के सेंटर पॉइंट मिलाने की और पॉलीगॉन में सेंटर पॉइंट लाने की। ओके तो उसके बाद अब अगर आप इसी पॉलीगॉन को देखना चाह रहे हैं कि इसका रेडियस कितना है, एक्यूरेट है कि नहीं, तो मैंने 4 फुट का लगाया था तो उसका रेडियस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यहां से सी एंटर करें सर्कल और इसका रेडियस दे दें आप 4 फुट दे दें। देखें एक्यूरेट इसके कॉर्नर जो हैं इसके साथ टच हो रहे हैं, तो मतलब ये कि हमारे पास इसका रेडियस बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर इसके मूव हो रहे हैं यहां से। इसका रेडियस देना चाहते हो सी एंटर करें 4 फुट एंटर करें, इसका भी बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक्यूरेट के साथ टच हो रहा है, तो मेन आपका रेडियस यहाँ पे सर्कल का एक्यूरेट और पॉलीगॉन का रेडियस एक्यूरेट है। तो ये था जी सिंपल हमारे पास पॉलीगॉन ड्रॉ करना, किस तरह सिंपल ड्रॉ किस तरह करते हैं पॉलीगॉन। दूसरा पॉलीगॉन होता है पी ओ एल एंटर, नंबर ऑफ साइड में 5 देता हूँ एंटर, और इसका जी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, ये सेंटर पॉइंट इसका आ गया, और सर्कमस्क्राइब करता हूँ मैं तो सी एंटर करता हूँ, और ड्रॉ करता हूँ 4 फुट। देखें इसका भी सेंटर पॉइंट लेने का तरीका तो वही है, सी एंटर करता हूँ और इसी तरह आप दोबारा में फिर दोबारा से पी यू एल एंटर करता हूँ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6 दे देता हूँ, सेंटर पॉइंट ये दे देता हूँ, सी एंटर करता हूँ 4 फुट एंटर, एल एंटर 8 पॉइंट सही है। ओके अब इसमें और उसमें फर्क क्या, देखें इसका सी में प्रेस करता हूं सर्कल और इसको भी रेडियस का 4 फुट देता हूं, तो देखें ये अंदर वाली साइड से इसके साथ टच कर रहा है, जबकि दूसरा जो ऑप्शन था उसमें ये बाहर वाली साइड से टच कर रहा था, सी एंटर 4 फुट एंटर देख सकते हैं, जबकि दूसरा जो ऑप्शन था उसमें ये क्या करता था, वो भी मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, इसको मूव करता हूं, एम एंटर मूव होता है, पी ओ एल एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, सेंटर एंटर और आई एंटर 4 एंटर, एल एंटर। सिर्फ आपको समझाने के लिए इन दोनों में फर्क क्या है। अब इसमें जब मैं सर्कल सी एंटर करता हूँ रेडियस के लिए 4 फुट एंटर करता हूँ, तो ये बाहर वाली साइड से टच कर रहा है, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ये अंडर वाली साइड से टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कॉर्नर हैं ये बाहर वाली साइड, इसके कॉर्नर जो है ये बाहर वाली साइड पे 4 के रेडियस पे आते हैं, और ये जो हमारे पास 4 मीन रेडियस का 4 आता है और इसके अंदर वाली साइड पे आते हैं यहाँ पे, तो ये इनका सिंपल में फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है एज किस तरह मालूम करते हैं आप,
उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। खुद आप काम करेंगे आपको फिर भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें पॉलीगॉन में एच का फंक्शन क्या होता है और एच होता क्या है, उसके लिए मैं पी ओ एल एंटर करता हूँ। कहता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स में 6 ही देता हूँ। उस पर दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि आपने या फिर यहाँ पे देखें आर एच भी कह रहा है, ठीक है यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का सेंटर मालूम करो या फिर एड्ज। जो एड्ज के लिए मैं ई प्रेस करता हूँ, ई प्रेस किया मैंने और नॉर्मल पहले पॉलीगॉन ड्रॉ करके उसको मैं आपको बताता हूँ। वन और सेंटर पॉइंट और इनसब्सक्राइब्ड हो जाए या फिर जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं आई प्रेस करता हूँ, आप दोनों को अप्लाई करके देख लीजिएगा और इसको मैं देता हूँ 4 फुट एंटर। अब इसमें जो आप देखें डायमेंशन में इनकी चेक करता हूँ, अलाइन डायमेंशन से ही 4 है। सी एंटर, सॉरी पी ओ एल एंटर, नंबर ऑफ साइड्स में अभी इसको 5 देता हूँ, सेंटर पॉइंट एंटर 4 एंटर। अब इसको मैं देता हूँ, ज़रा देखता हूँ, फोर पॉइंट एट, हालांकि मैंने इसको 4 दी थी इसको भी। रेडियस को मैंने 4 दिया था, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8। तो ये जो चीज़ है ये इसके एज है। अब एज में क्या है फर्क आ रहा है दोनों में देखें, हालांकि मैंने दोनों को 4 फुट दिया लेकिन सिर्फ मैंने क्या काम किया कि मैंने इसके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दिए। तो अब मैं उसमें देखता हूँ कि उसका क्या फंक्शन होता है, उसके लिए आप पी ओ एल एंटर करें, नंबर ऑफ साइड्स 5 देता हूँ एंटर करता हूँ और ई प्रेस करता हूँ एच के लिए, 5 5 फुट के एच में इसको देता हूँ और सॉरी पी ओ एल एंटर 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 4 फुट ही देता हूँ, 4 फुट एंटर और स्पेस का साइज देता हूँ मैं जी 5 फुट एंटर करता हूँ। ओके अब देखें इसका इसके अब मैं डायमेंशन आपको चेक करवाता हूँ। मैं एज में मैंने एज से क्या दिया 4 दिया था मैंने, सॉरी 5 दिए थे, एड्स जिसको मैं दोबारा से, जो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने एड्स को क्या दिए थे। पी ओ एल एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 5 एंटर, एड्स के लिए ई एंटर और स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एड्स 4 कर देता हूँ इसको और 5 फुट एंटर। आप सही है, 4 इसको मैंने दिया। डायमेंशंस की चेक करता हूँ मैं, अलाइन डायमेंशन 5 देख सकते हैं आप, 5 इसका भी आ गया, 5 ये भी आ गया, 5 ये भी आ गया, 5 ये भी आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स बेशक अब बढ़ा दें, आप देखें मैं पी ओ एल एंटर करता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स 8 दे देता हूँ और 8 जिसके मैं देता हूँ एंटर, 8 में इसको देता हूँ जी 5 और 4 फुट एंटर, जेड स्पेस ए स्पेस एम एंटर, मूव करता हूँ इसको ताकि क्लियर नजर आए आपको, एम एंटर
अब इसमें भी देखें एड्स, डायमेंशन अलाइन डायमेंशन, देख सकते हैं फोर, इसमें मैंने फोर दिए थे, देख सकते हैं फोर फोर फोर। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन होता है जी, हिट्स का फंक्शन होता है, पिच कितना देना चाह रहे हैं उसको डिस्टेंस भी आप यहाँ से एक्यूरेट मेजर करके आप दे सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है एड्ज का और डायमेंशंस का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी पॉलीगॉन की समझ आई होगी कि पॉलीगॉन पे क्या होता है और किस तरह काम करते हैं। और नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।